नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को है और 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, लेकिन सियासत पूरे उबाल पर है। कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, तमाम नेताओं ने जाकर लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और आज अखिलेश यादव जाने वाले हैं, आज सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी की तरफ से जाने वाले हैं, यानी आज फिर वहां पर सियासी दौरा होने वाला है। इस बीच न्यायिक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, हेडक्वार्टर लखीमपुर खीरी में होगा, लेकिन 4 दिन हो गए अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। किसान संगठनों ने पहले ही कहा है कि 4 समझौते में शामिल था 8 दिन के भीतर गिरफ्तारी, 4 दिन पार हो गए, अगर 4 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर मजबूरन हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। लेकिन इस बीच सवाल यहां पर यह भी है कि अब सियासी पार्टियों के बीच लखीमपुर की रेस किस तरीके से चल रही है वो भी समझना जरूरी है। अखिलेश यादव से जब यह कहा गया कि प्रियंका गांधी कह रही है कि जिस तरीके से संघर्ष समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को और बाकी पार्टियों को यूपी में करना चाहिए था, कहीं कोई जमीन पर नजर नहीं आया, इस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी दरअसल कमरे के भीतर बंद थी, उनको नजर कहां से आएगा, सबसे ज्यादा संघर्ष तो हमने किया है। तो अब इससे आप समझिए कि विपक्ष के अंदर इस रेस को जीतने की होड़ किस कदर चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। लखीमपुर में पीड़ितों से मिलेंगे अखिलेश यादव। कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी गए थे लखीमपुर खीरी में, मृतक किसानों के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की थी। आज बहराइच में मृतक किसान के परिवार वालों से मिलेंगे प्रियंका गांधी। राहुल गांधी वहां से दिल्ली लौट आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी फिर लखीमपुर खीरी से आगे बढ़ जाएंगी बहराइच। भाई बहन आगे तो बुआ बबुआ जागे, यूपी में षड्यंत्र, नवरत जीवियों का तंत्र। लखनऊ की लड़ाई लखीमपुर आई, लखीमपुर की आग जाने कब की शांत हो चुकी है, लेकिन सियासत के रणबांकुरे उस आग को बुझने नहीं देना चाहते। कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आंदोलन, कहीं यात्रा। भाई बहन आगे आगे तो बुआ बबुआ भी अब जख्म को कुरेदने के लिए जाग गए हैं। पूरे विपक्ष का एक ही मुहिम है, लखीमपुर। सबको पता था कि लखीमपुर की घटना के 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने सबको शांत करा दिया था। पीड़ितों के लिए मुआवजा, घटना की जांच, आरोप के आधार पर FIR, पूरी तरह से समझौता हो चुका था, लेकिन सियासत के ये पात्र पूरी फैमिली के साथ ड्रामे में जुट गए। लखनऊ छोड़िए, दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ तक कि रायपुर से भी अपनी गिद्ध दृष्टि इस लखीमपुर खीरी पर बनाए हुए हैं। कि हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है, तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। हर कोई यहाँ लाश पर सियासत करने में जुटा है, अखिलेश यादव हो या उनके चाचा शिवपाल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए चौधरी जयंत। लखीमपुर कूच के लिए विपक्ष के नेताओं में मारामारी अभी भी जारी है। इसी बीच भाई बहन ने लाशों पर सियासत की बाजी मार ली, तो अब बुआ और बबुआ कैसे पीछे रहेंगे? 1 बजे मृतक नक्षत्र सिंह को देंगे श्रद्धांजलि, 2:15 बजे मृतक पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि, 4:15 बजे शहीद किसान लवप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि। हालांकि विपक्ष लाशों के दम पर यूपी में योगी आदित्यनाथ का गेम पलटने की कवायद में जुट गया है, लेकिन मृतकों के परिजन सरकारी मुआवजे और नौकरी का भरोसा मिलने के बाद काफी हद तक संतुष्ट हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसान भी अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। हालांकि पूरे मामले की SIT जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, जिससे घटना के तमाम वीडियो परत दर परत कई राज खुलने बाकी है। लेकिन विपक्ष से एक सवाल अभी भी बाकी है, ये सारे लोग यूपी में पीट पीट कर मारे गए 5 लोगों के परिवारों को इंसाफ दिलाते हैं या हादसे के मारे गए 4 किसानों तक ही इंसाफ की जंग खत्म कर देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी कांड पर। सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।
रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव होंगे कमेटी के अध्यक्ष और 2 महीने के भीतर यानी कि 60 दिन के भीतर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लखीमपुर खीरी में ही, सबसे बड़ी बात यह कि लखीमपुर खीरी में ही जांच कमेटी का मुख्यालय होगा, जहां की घटना है वहीं पर जांच कमेटी का हेडक्वार्टर होगा। रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के प्रदीप श्रीवास्तव कमेटी के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की निगरानी में यह जांच कमेटी काम करेगी और 2 महीने के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। इस सरकार के रहते पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने वाला, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। सिटिंग जज की अगुवाई में होनी चाहिए इस पूरे मामले की जांच, किसान विरोधी है सूबे की सरकार, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो जांच कमेटी बनी है उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इसमें अध्यक्ष बनाया गया, जो किसान पक्ष और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी सिटिंग जज को इसमें अध्यक्षता देनी चाहिए। इस जांच कमेटी पूरी तरीके से फेल हुई है, सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। पहले भी आप मांग कर चुके हैं, आज जाएंगे आप जब लखीमपुर के उन परिवारों से क्या बातचीत होगी? सवाल कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं, मैंने 3 घटनाएं बताई आपको। झांसी में पुष्पेंद्र को पुलिस नहीं मारा, एनकाउंटर हुआ, आज तक न्याय परिवार को नहीं मिला। अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और जिन पे आरोप है वो फरार हैं। क्या बिना पुलिस के फरार रह सकते हैं? एक IPS जिसमें आरोप है कि उसने कुछ ये वसूली को लेकर के एक की हत्या हुई, जिसमें आज IPS नहीं पकड़ा गया, वो फरार है। यहाँ भी जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं, तो क्या उम्मीद कर दो सरकार न्याय करेगी इन पर? सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। चलिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान का पैनल पूरा जुड़ चुका है, कौशल कांत मिश्र प्रवक्ता बीजेपी, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इकबाल खान किसान नेता, डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं, पूजा हमारे साथ सीतापुर से हैं, सुमित दिल्ली से, और लखनऊ से तुषार है। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, संजय सिंह, तमाम नेताओं ने मुलाकात की थी, आज अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचने वाले, सतीश चंद्र मिश्रा भी आने वाले हैं, यानी कि आज का पूरा दिन भी लखीमपुर खीरी में सियासी दौरों से ही भरा रहेगा। अनुराग, बिल्कुल प्रत्युष, आज का पूरा दिन भी सियासी दौरों से भरा रहेगा, लेकिन क्या तस्वीरें कल से उलट देखने को मिलती हैं? क्या सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि एक सवाल जो हिंदुस्तान पूछ रहा है, ये कहिए कि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो किसान है, उनके यहां तो ये राजनीतिक पार्टियां जाना मुनासिब समझती हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इस वोट बैंक से उनका सरोकार है, लेकिन बाकी लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिनकी मौत इसी पूरी हिंसा में हुई है, इसी पूरे उपद्रव में हुई है, क्या उनके यहां इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं जाना चाहिए? देखिए, कल तक ये सवाल नहीं था, क्योंकि कल तक तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के प्लान्स नहीं आए थे, लेकिन कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने सहमत नहीं उठाई कि ऐसे लोगों के पास जाएं जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जिनके घर पर कैजुअलिटीज हुई है, उनके यहां जाने की सहमत नहीं उठाई। जब आज इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव, क्या सतीश चंद्र मिश्रा या नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके आने की बात कही जा रही है, क्या वो लोग ऐसे लोगों के यहां जाते हैं? क्योंकि मौत हुई है, अगर मृत्यु हुई है तो संवेदना सबके लिए बराबर है, और ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों के को सिर्फ वोट बैंक तक नहीं सोचना चाहिए, इससे ऊपर सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये तस्वीर अगर आज बदली हुई नजर आती तो शायद बेहतर होगा, लेकिन आज पूरी तरह से लखीमपुर खीरी में राजनेताओं के दौरे तय कर दिए गए हैं। कल जैसी तस्वीर थी, आज भी वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। कल चेहरे कोई और थे, आज चेहरे कोई और होंगे, लेकिन कोशिश वही राजनीति करने की है कि कैसे भी संवेदना जताई जाए, सहानुभूति इकट्ठी की जाए, और यह बताया जाए कि देखिए साहब, हम कितने करीबी हैं किसानों के। चलिए, मैं पूजा का भी रुख कर लेता हूं। पूजा, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां से निकल चुके हैं, तो सीतापुर में आज बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग होगी? नहीं, बिल्कुल प्रत्युष, यहाँ पर पॉलिटिकल हैपनिंग तो उतनी नहीं ज्यादा दिखेगी, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रशासन चौका से अभी भी यहाँ पर इंटरनेट सेवा है वो अभी भी बंद कर दी गई है, तो अभी भी उसको वापस बहाल नहीं किया गया है, लेकिन अब अभी भी हम जो टोल नाके हैं, टोल प्लाजा से, हम वहां पर अभी भी प्रशासन को मुस्तैद देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यहाँ जब पहुंचेंगे तो यही कहा जा रहा है कि वो खैराबाद टोल
प्लाजा से होते हुए वो निकलेंगे, तो वहां पर अभी भी जो है कहा जा सकता है कि बैरिकेटिंग वहां पर की गई है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि खबरें ये आ रही है कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ वो पहुंचने की तैयारी में है लखीमपुर, तो ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रहा है। तो क्योंकि सीतापुर से होते हुए जाने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है ऐसा ही लग रहा है कि सीतापुर होते हुए ही वो लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल सीतापुर में भी अभी जो है हालात है जस के तस ही बने हुए हैं, प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस बल यहां तैनात है, इंटरनेट सेवा भी बंद है। प्रत्युष तुषार, अखिलेश यादव क्यों नाराज हो गए सवाल पर कि जब प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां पर एसपी और बीएसपी इन पार्टियों को जमीन पर संघर्ष करना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आए? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सबसे अधिक अगर इस पूरे मामले में किसी पार्टी ने लीड लिया है तो वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस है। इन्होंने ही इस पूरे मामले को पूरी तरह से भुना लिया है, और जो क्रेडिट जाता है राजनीतिक पार्टियों को जो अलाउ किया गया वो क्रेडिट चला गया है अब इस वक्त प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को, और यही वजह है कि जो अखिलेश यादव हैं वो इस वक्त काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, गुस्साए टाइप के लग रहे थे। अभी हम भी इस वक्त उनके पास खड़े थे जब वो निकल रहे थे, तो काफ़ी उनको नाराजगी दिख रही थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ही। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है, और इस वक्त अखिलेश यादव अपने आप को समझते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी में अखिलेश यादव हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब उस दिन घर से निकले और घर से निकलते ही घर के दरवाजे पर जाके जमीन पर बैठ गए, और उसके बाद वो बड़े ही आराम से उनको पुलिस जीप में बैठाया गया और वो सीधे चले गए इको गार्डन में जाके, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद वो वहां से छूटकर चले आए। तो कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जो प्रियंका गांधी को सामना करना पड़ा 4 दिन तक। यानी कि वो लखनऊ में ही सिमट कर रह गए, प्रियंका गांधी उनसे आगे निकलकर सीतापुर पहुंच गए। चलिए तुषार आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी देर में लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस एनवी रमणा आज सुनवाई करेंगे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी इस बेंच में शामिल है जो बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले में, लखीमपुर हिंसा के मामले में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा इस मामले की सुनवाई करेंगे, और उनके इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल होंगे। हमारे साथ सुमित इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुमित, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, आज जो सुनवाई होगी क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अपनी मॉनिटरिंग में लेने वाला है क्या? हाँ देखिए प्रत्युष, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो बात जो है वो न्यायिक जांच की जरूर आएगी, तो उससे पहले ही सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। तो ऐसे में जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जानना चाहेगा कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई की है। तो ऐसे में जवाब तलब जो है सरकार से सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि कल ही देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो बेंच है वो इस मामले की आज सुनवाई करने वाली है। तो आज जब सुनवाई जब शुरू होगी करीब 11 बजे के बाद, क्योंकि 17 नंबर जो आइटम है केस जो है वो लिस्टेड है चीफ जस्टिस की बेंच में, तो 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, और सबसे पहले सरकार से सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले ही न्याय आयोग का गठन कर दिया है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन लिखा था और कहा था कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार जरूर करेगा जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाएगा। और सबसे अहम बात है प्रत्युष की जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा तो हो सकता है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं, हालांकि अभी किसी प्रकार का नोटिस जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है, तो इंतजार करना होगा 11 बजे के बाद। नजरें आज दिल्ली में भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट में होंगी कि सुनवाई में होता क्या। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या सियासी दलों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि दरअसल यूपी में असली विपक्ष है कौन? प्रत्युष भाई, यूपी में असली विपक्ष कौन है
ये कहने की आवश्यकता नहीं। कौन है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? मैं कह रहा हूँ कि देश में विपक्षी दल सबसे बड़ा कांग्रेस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और अगर ये असत्य हो तो इनमें पैनल में जितने बैठे या आप हमें टुक देना। बात रह गई कि अगर कोई मसला हुआ और उसमें पीड़ित के साथ अगर विपक्ष खड़ा होना चाहता तो उसमें प्रतियोगिता कतई नहीं। इसलिए नहीं है कि हर विपक्षी दल ये कोशिश कर रहा है कि न्याय मिल सके, और न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है राज्य मंत्री ये इस्तीफा नहीं देंगे या इनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, और इनके लड़के की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती। क्योंकि कानून तो सबके लिए, चाहे राजा हो और या चाहे रंग हो। चलिए मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले कौशल कांत मिश्रा आपसे मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। बार बार ये बात उठ रही है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पा रही आरोपी की? देखिए एफआईआर में जो नाम दर्ज है उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, और यही वजह है कि पुलिस के कल डीजी ही बोल रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर ये कंफर्म होता, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज आ रहे हैं उससे अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट हो रहे हैं। अगर, और जहां तक रही गृह राज्य मंत्री जी की बात, उन्होंने सीधे कल, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर उनका लड़का जो आरोपित है अगर वो किसी भी फ्रेम में किसी भी जगह ये प्रूफ हो जाता है कि वहां है तो इस्तीफा दे देंगे। तो दोनों चीजें क्लियर है, कार्रवाई पुलिस को करनी है, जांच पुलिस को करनी है, इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी अभी पेंडिंग है, क्योंकि वहां पे जितना ज्यादा पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है उतना ज्यादा वहां की सिचुएशन को, क्राइसिस जो मची हुई उसको कंट्रोल करने में ही सारा पुलिस बल लगा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से ये सारे राजनीतिक दल वहां जा रहे हैं तो उस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस नहीं, आज एसआईटी बैठ गई है रिटायर्ड, क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों के वहां पर जाने से इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर पड़ेगा? क्या मैं सवाल का जवाब लूंगा? मुझे मालूम है कि बाकी भी मेहमान इकबाल खान भी कुछ कहना चाहते हैं, विशाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, राहुल लाल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर, आप लोग सबके पास आ रहा हूं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, जल्द लौट रहे हैं। दस का दंगल, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा हमला सामने आया, पीड़ितों को मुआवजा नहीं न्याय चाहिए, ये प्रियंका गांधी कह रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, मुझे बिना एफआईआर के गिरफ्तार किया गया, ये प्रियंका गांधी का कहना है। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब किसानों से। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा बताइए। बराबर सवाल उठा रही हैं कि हम गिरफ्तार किए, हमारा तो कसूर क्या था, हम तो गए थे सांत्वना देने जी, लेकिन जो लोग दोषी थे अभी वो लोग किसी को नहीं पकड़ा गया। तो आप बताइए क्या ये है हमारी देश की परंपरा, क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज की कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द। इकबाल खान, जो इस वक्त जाँच चल रही है और जो न्यायिक जांच कमेटी बनी है, क्या ये इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? तो है, हमको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना, नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा इकबाल खान क्योंकि किसान पक्ष और प्रशासन के बीच इसी बात को लेकर समझौता हुआ था कि न्यायिक जांच कमेटी बनाइए, उसी वक्त तय हुआ था हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वो बना दिया गया। अब अखिलेश यादव कह रहे ना ना ना,
सिटिंग जस्टिस की अध्यक्षता कराई जाए और उसके बाद जांच कराई जाए। उसी में एक बात बता दूं आपको, आज 5 लोग हो गए हैं घटना को, जो इन्होंने जलियांवाला बाग बनाया है, अजय मिश्रा ने, मोहन मिश्रा ने जलियांवाला बाग बनाया है, आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपके मंत्री का स्टेटमेंट जानते हैं, कुछ नहीं आता, खट्टू सरकार को देख लो, उसने स्टेटमेंट दे दिया, और वहां पर दंगा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, यूपी का दंगा हुआ उसका जिम्मेदार देखिए, किसान संगठन और प्रशासन के बीच समझौते के बाद अब जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं, जो दो तीन चीजें साफ तौर पर उठा रही हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्री की बर्खास्तगी और तुरंत गिरफ्तारी। आपको लग रहा है कि क्या ये बीजेपी के लिए डेंट है, और अगर डेंट है तो चुनाव से पहले उबर पाएगी, क्योंकि पिछली बार लखीमपुर की 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस इलाके और आसपास के जिलों की 50 में से 45 सीटें बीजेपी के पास है। देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखता है गवर्नेंस, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने, मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्तब्ध करने वाली है, लेकिन याद करने के लिए एसआईटी का गठन हो गया है, न्यायिक बॉडी का गठन हो गया है, न्यायिक जांच होने दीजिए, पहले सारे साक्ष्य तुम्हारे सामने हैं, पहली बात सुनिए, सारे साक्ष्य सामने हैं, मारा गया हमारी सरकार आपको डंडे से मारे जाने वाले जो है, आखिर उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, सरकार मारा क्या है, आ रही है अपने मंत्री को बचाना चाहिए, उनके भी तो न्याय की बात होना चाहते हो क्या, न्याय की जब बात होती है तो एक अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आप न्याय की क्यों बात कर रहे हैं, जिनको डाक्टर मारा गया है, जो वीडियो सामने आ रहा है उसकी भी बात करिए, अगर आपने देखिए आपके सुनिए, अगर आपने कोई एक पक्ष की बात हमारा आपको न्याय मांगना है ना, न्याय की डिमांड करनी है ना, तो जितने लोग मारे गए, राहुल लाल को भी लाइए स्क्रीन पर, राहुल लाल देखिए, प्रियंका गांधी ने कहा कि एसपी बीएसपी को जमीन पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आए। अब इस बयान पर अखिलेश यादव काफी आग बबूला हो गए, नाराज हो गए, वो कह रहे प्रियंका गांधी तो कमरे के अंदर बंद थी, उनको कहां से नजर आएगा, सबसे ज्यादा संघर्ष तो समाजवादी पार्टी ने किया, तो ये होड़ चल रही है क्या एसपी और कांग्रेस के बीच में कि कौन इस वक्त दरअसल में यूपी का विपक्ष है? राहुल लाल देखिए, यूपी के विपक्ष बनने की होड़ नहीं है, ये होड़ है, तो फिर इस बयान के क्या मायने, न्याय दिलाने की होड़ है, कि आखिर उन पीड़ितों को न्याय कैसे दिलाया जाएगा, जब इस प्रकार की स्थितियां बनी है, क्रूर घटनाक्रम यहाँ पे घटी है, और लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस है, ये गुड गवर्नेंस होता है कि राजनीति आपने दूसरे पक्ष के लिए कौशलकांत मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, कौशलकांत मिश्रा जी, शुभम मिश्रा जी, प्रतीक जी, शुभम मिश्रा जी, मैं सारे सारे एक सेकंड राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी सुन लीजिए, हाँ सारे पैनलिस्ट अगर इस तरह से करेंगे तो किसी का सुनाई नहीं पड़ेगा, टीवी का माध्यम इसलिए कि पब्लिक को पता चले हर आदमी का ओपिनियन। मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं, आपने अभी प्रियंका जी का बयान दिखाया, उस बयान में उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है कि बहुत सारे फुटेज और वीडियो हैं जिसमें कि उनका बेटा दिखा है, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। प्रतीक जी मैं चाहता एक, एक प्लीज 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 सर सर प्लीज सर सर आप राहुल लाल जी एक सेकंड सुन तो ले, राहुल लाल जी ऐसे डिस्कशन नहीं होता है, बोलिए बात समझ में आएगी, एक एक करके बोलिए, नहीं तो क्या फायदा इस डिस्कशन का, हम आप यहाँ पे बैठ करके जनता के लिए कोशिश कर रहे हैं,
और हर आदमी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कौन जनता का ज्यादा बेनिफिट चाहता है। अगर हमारी गलती है तो जनता के सामने बताइए, मना कौन कर रहा है, लेकिन प्रूफ तो करिए गलती। सिर्फ तूतू मैमल करके बहस नहीं होती है, सुनिए मेरी बात, और गलत है तो बताइए मेरे को। अभी प्रियंका जी ने कहा कि वीडियो फुटेज है। राहुल जी, प्रतीक जी, आप मुझे एक वीडियो फुटेज अगर है जिसमें उनका लड़का नजर आ रहा है तो दिखाइए। हमें बताइए आप किस तरीके से विधिका उल्लंघन करना चाहते हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। आपके बैठे राजा पे अलग और रंग पे अलग है क्या? जब 120 बी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं मुलजिम है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या बर्खास्तगी उनकी कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? जो वो उकसा रहे थे अपने बयान में कि मैं मंत्री और सांसद और विधायक होने से पहले मेरा क्या चरित्र था सब जानते हैं, ये धमकी दे रहे थे, ये कह रहे थे हम किसानों को सबक सिखा देंगे, दो मिनट में उनको उठा देंगे, दो मिनट में उठा दिया। गाड़ी पलटते पलटते गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग आपने दे रखी है, और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, धारा 144। जवाब जवाब कौशल कांत मिश्रा जी, जवाब दीजिए एक सेकंड। कपिल जी, आपका सवाल लोगों ने सुन लिया, कौशल कांत मिश्रा ने भी सुन लिया, अब जवाब भी सुन लीजिए सर, जवाब भी सुन लीजिए। वो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं सपा की बात कर रहा हूं, आप उनका देखिए, परसों इंसिडेंट हुआ, उन्होंने अपने ऑफिस के सामने एक पुलिस की जीप को फूंक दिया। वो पॉलिटिकल पार्टियां जहां पर उनकी जब सत्ता चलती थी तो एक पर्टिकुलर धर्म और एक पर्टिकुलर गिरफ्तारी की बात करिए, बर्खास्तगी की बात करिए, जो वो पॉलिटिकल पार्टियां जो प्रजापति जैसे जघन्य को छोड़ करवाती है, ये किसी से छुपा नहीं है मिश्रा जी, ये आपकी कार्रवाई थी जो आपने किया ताकि अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जा सके और उनको लखीमपुर न जाने दिया जाए। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी की साजिश नहीं है, कपिल जी बोलूं मैं भी इस तरह से बात करनी है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कंटिन्यूअस बोल सकता हूं, किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी, सारा टाइम खराब होगा। अब क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे ही बोलता रहूं कंटिन्यूअस? यही चाहते हैं ना ये लोग? आप बताइए ना, आप सबको म्यूट करिए, अगर मेरा जवाब सुनते हैं। कपिल जी सुन तो लीजिए, कपिल जी आवाज जा रही है नहीं जा रही मेरी? कपिल जी जवाब सुनने, एक सेकंड कपिल जी बोलिए मत। कपिल जी आप इतने सीनियर सुलझे, अरे कपिल जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, इनका इस्तीफा दिलाइए, इनकी गिरफ्तारी कीजिए। अरे कपिल जी एक सेकंड सुन तो लीजिए, सुन तो, अरे सर कपिल जी नॉन स्टॉप अगर आप ही बोले जाएंगे तो फिर अगला कोई बोल ही नहीं पाएगा, सुन तो लीजिए सर। आप कह रहे हैं कि भाई मंत्री की बर्खास्तगी हो, तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो। 2017 में गायत्री प्रजापति पर संगीन इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। उस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ थे, अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार भी करते थे। उस वक्त तो ये हो हल्ला, ये बवाल, ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ साहब? एक सवाल और प्रतीक जी, एक सवाल और। यहीं पर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में गोलियां चली, बहुत सारे लोग मारे गए, वहां के आप चुप करके आरोप की तुलना किसानों पर गाड़ी चढ़ाने से कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? गृह राज्य मंत्री ने किया था क्या? उनका पुत्र उसने सीधे आरोपी है, 120 बी में वो स्वयं है, वो उपकार रहे थे और उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या 302 307 के जितने मुजरिम हैं वो आरोप पत्र आने के बाद गिरफ्तार होंगे क्या? ये किस तरीके की आग ली जा रही है? क्यों भारत के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? आप बोल चुके, ये धज्जियां बगल के आपके छत्तीसगढ़ में उड़ाई जा रही है, ये धज्जियां कश्मीर में जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां नहीं उड़ाई जा रही है, ये धज्जियां राजस्थान में जहां पे लाठी चार्ज हो रहा है मारे खराब हो रहा है, ये धज्जियां धज्जियां उड़ रही है क्यों? क्यों? क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, आपको राजनीति इसलिए चमकानी है क्योंकि आपको पता है इसका कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है, आपके पास कोई कुछ नहीं बचा हुआ, आपको मालूम है सरकार नहीं आने वाली, इसलिए अफरा तफरी में सारा कर रहे हैं। अगर आप इतनी चिंता करते हैं, डॉक्टर विशाल मिश्रा कहा ये भी जा रहा है, कि अखिलेश यादव को लखनऊ में इसलिए रोका गया क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुख्य विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी है,
इसलिए समाजवादी पार्टी को डाउन करो, कांग्रेस को आगे बढ़ाओ जिसका कोई जमीनी आधार अब बचा नहीं है। अरे अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये रेस की होड़ लग गई है। उजागर है, आपने देखो की सरकार गुंडों की पार्टी है, क्योंकि आपने देखा इन्होंने अपने कार्यालय के सामने को सबसे पहले ये लोग यही ये हमेशा गुंडागर्दी की सरकार करते हैं, ये गुंडों की सरकार चला रही है। मेरा सवाल डॉक्टर विशाल मिश्रा से था। उनके लिए आप न्याय इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आखिर न्याय तो सबसे साफ होना चाहिए। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार है, ये कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने वाली सरकार है, ये जंगल राज कायम करने वाली सरकार है, ये राम राज्य के पीछे रावण राज्य लागू करने वाली सरकार है। इसे भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है, इसे भारत की विधियों में कोई आस्था नहीं है। ये ऐसे अपराधियों को मंत्री बनाता है, ऐसा अपराधी जो कि मंत्री कहता है कि हम उठाएंगे, हम चढ़ाएंगे, हम किसानों पे गाड़ी चढ़वाएंगे, न्याय की बात आप कर रहे हैं तो जो लाठी डंडों से मारे गए हैं, जिनके वीडियो वायरल है, जिनको खेतों में मारा गया है, इकबाल खान को भी लाइए स्क्रीन पर। इकबाल खान, कई देश विरोधी संगठन है जो 9 अक्टूबर को बड़े बवाल की बात कह रही है, क्या फिर कोई ऐसा कोई उल्टा सीधा बयान आएगा या कुछ ऐसा भड़काऊ वीडियो सामने आएगा जिससे बवाल बढ़ जाए, या चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ितों को इंसाफ और न्याय मिले, या सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी चलती रहे? इकबाल खान, अगर कोई दंगा होगा, अगर कोई बयान आएगा तो इनकी सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि किसान तो शांतिपूर्ण अपना 11 महीनों से अपना आंदोलन चला रहा है। और मैं एक बात बता दूं, इन्होंने जहां जहां आपकी वोल्टेज दिखाई है वहां वहां इन्होंने यही जलियांवाला बाग बनाया है। वो हरियाणा की बात करें या हम यूपी की बात करें, कहीं भी देख लो, ये सरकार का अपनी बयानबाजी करती है और उसके बाद में अपना रुख निकालने की बात करेंगे। आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, आप केरल की बात नहीं करेंगे, आप केवल वहां की बात करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर विपक्ष की सरकार है उसकी भी निंदा करेंगे। आप बताइए मुझे, क्या आप उसको बचाना चाहते हैं? ऐसा कहा नहीं कहा है उसने, वो उनका इकबाल खान, तो क्या किसान संगठन जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करेगा या सड़क पर उतरकर बवाल करेगा? अगर मंत्री की बर्खास्त नहीं होती, हाँ, मंत्री को जेल नहीं दे देंगे, हाँ, तो किसान सड़क पे आएगा। हाँ, पूरा देश का किसान, देश का अन्नदाता उस परिवार के साथ है जिस परिवार के पास घटना हुई है, हम भी साथ, पूरा देश साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का 10 का दंगल में जुड़ने के लिए। पूरा देश भी इंतजार कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच जल्दी से पूरी हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। एक छोटा सा ब्रेक, 10 मिनट के बाद जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर आपसे होगी मुलाकात।